हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज कढ़ाई सूट की फिट कटिंग बताऊंगी। मैंने फोल्ड कर लिया है गला सेट करके। हमारा गला सेट हो गया है, हम गले के लिए निशान लगाएंगे। हमारे मुड्डे हमारे 6.5 इंच हैं, आर्म होल 6 इंची का है। चेस्ट हमारा 38 इंच है। कमर के लिए निशान लगाए 7 इंची पर। हिप के लिए निशान लगाएंगे 14 इंची पर। कमर हमारी 34 इंच है, हिप हमारी 38 इंच है। तीनों को मिला देंगे निशान को। इसका हमने नाप भी लिख रखा है। हम इसकी सूट की लेंथ नापेंगे। लेंथ हमारी 38 इंच है, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है फोल्ड के लिए। जितना हमारा हिप है उतना हम दामन रखेंगे। तो इंची मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारी लेंथ है सूट की 38 इंच। ये हम आर्म होल के लिए गुलाई दे देंगे आगे की। अब हम गला सेट करेंगे, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जैसे हम इसमें गला सेट कर सकें, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है हमने मार्जिन। हम इसको कट कर देंगे। जब तक मैं सूट कट कर रही हूँ, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। ये हमारा सूट फ्रंट पल्ला कट चुका है, हम बैक पल्ला काटेंगे इसमें। ये हम फ्रंट पल्ले को रख के ही सूट काटेंगे। बैक वाले पल्ले में हम मार्जिन पीछे का थोड़ा कम गुलाई करेंगे इसमें। ये हमने चटका लगाए हैं फिटिंग का, कमर का भी ऐसे लगाएंगे, चेस्ट का भी लगाएंगे ऐसे। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम सीधा करेंगे, फोल्ड के लिए चटका लगाएंगे दोनों तरफ। ये हमारा सूट कट के तैयार हो चुका है। अब हम बाजू काटेंगे। बाजू की चौड़ाई हमने 9.5 इंच रखी है। लेंथ हमारी 10 इंच है। दोनों निशानों को मिला देंगे।
बाजू के लिए फैब्रिक कट कर लेंगे इसमें से, फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। फोर फोल्ड है ये, दोनों बाजू इसी में है। बाजू का निशान लगाएंगे, 3 इंची का ऊपर है, 3 इंची का नीचे मार्जिन रखेंगे। दोनों को निशानों को मिला देंगे, 7 इंच की मोहरी है, 2-5 इंच की मोहरी है, 7 पे निशान लगाएंगे। अब हम गुलाई दे देंगे बाजू के लिए, कट कर देंगे। हमारे बाजू कट के तैयार हो चुकी है। ये सूट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें प्लीज़।